नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। जैसा कि आप सभी को पता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश टंडन और पूर्व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश टंडन, जो कि जेएलएन हॉस्पिटल के मेडिसिन आईसीयू में जो शॉर्ट सर्किट से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की जो मौत हुई थी, उनमें लापरवाही करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक दिन के लिए सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। जैसा कि आप दृश्य में देख रहे हैं, ये कलेक्ट्रेट है, जिला कलेक्ट्रेट, उसके मुख्य द्वार पर राजेश टंडन जी आज सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर का ये नज़ारा है। यहाँ पर इससे पूर्व जो अंबु बैग खरीद में 13 लाख रुपए का घोटाला, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में 4 करोड़ का गबन, दोषी चिकित्सकों के खिलाफ तुरंत एसीबी में मुकदमा दर्ज करो की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे थे। और आज सांकेतिक धरना एक दिन का है, जिसमें मैं दर्शकों आपको बता दूं, जो पिछले दिनों मेडिसिन आईसीयू जेएलएन हॉस्पिटल के कोविड-19 वार्ड में जो मरीज की शॉर्ट सर्किट से मौत हो गई थी, उस पर आश्रितों को, मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग को लेकर आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश टंडन जी एक दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। अब हम उनसे बात कर लेते हैं कि क्या उनकी मांग है, और आगे भी ये धरना, इनका मांग पूरी नहीं होती तो क्या धरना जारी रहेगा। जी टंडन जी, किस बात को लेकर आज आप धरने पर बैठे हैं? देखिए, मेरा जो था, मैंने 8 तारीख को अस्पताल में अग्निकांड हुआ था, मेडिसिन आईसीयू में। और उस अग्निकांड में क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट होने से 20 मरीज वहाँ भर्ती थे, आग लग गई, जिसमें 10 मरीज वेंटिलेटर पर थे। 10 मरीजों के वेंटिलेटर पर होने की वजह से जब उन्हें वेंटिलेटरों से शिफ्ट किया गया तो उसमें एक मरीज की जो थी वो मृत्यु हो गई और वहाँ सारे में धुआं हो गया। मैं सुबह ही वहाँ पहुँच गया था, मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। और सबसे बड़ी जो दुखद बात है, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन के वहाँ अग्निशमन यंत्र ही नहीं थे, जो कि अपने आप में एक इतना बड़ा मिसहैप है कि अग्निशमन यंत्रों का नहीं होना। इस पर मैंने जो है वहाँ पर प्रशासन से कहा कि इनके खिलाफ़ मुकदमा आपराधिक मानव वध का 304 IPC में दर्ज किया जाए। और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ जो मृतक था उसके लिए मैंने 20 लाख के मुआवजे की मांग करी। और उसके पश्चात मेरा ये है कि जब IAS SPOs का, कलेक्टरों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, आबकारी अधिकारियों का और सारे विभागों के, टैक्स विभाग के अधिकारियों का, सबका जब स्थानांतरण हो जाता है तो डॉक्टरों का स्थानांतरण क्यों नहीं होता? आज 20-25 साल से बैठे हुए हैं। और सबसे दुखद पक्ष जो है, 300 रुपये प्रति व्यक्ति देखने को ले रहे हैं, और प्रति व्यक्ति देखने के बाद ये स्थितियां बन रही हैं कि आप ये देखिए, एक भी पैसे की किसी को रसीद नहीं देते। और उसके पश्चात सबके आवासीय घरों में जो रेजिडेंशियल हाउस है, आज उस घर के अंदर दवाई की दुकान खुली हुई है। दवाई की दुकान जो है, कभी भी व्यवसायिक कार्य की, वाणिज्यिक कार्य की दुकान घर के अंदर नहीं खुल सकती। ये ड्रग इंस्पेक्टर भी 20 साल से अजमेर में बैठे हैं और ये सब मिली भक्ति का सौदा है। मैं आज कहूँ कि मेरे घर में शराब की दुकान खोल दो और मैं सारी रात शराब बेचता रहूँ तो मेरे घर में कमर्शियल बिना हुए जगह कैसे बिक जाएगी? आज वो दवाइयाँ, वो ही दवाइयाँ लिख रहे हैं जो उनकी दुकान पर उपलब्ध हैं। इस तरह से मरीजों के साथ लूट खसोट का एक ऐसा धंधा व्यापार चल पड़ा है कि जिसकी हद नहीं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आप इसकी जांच कराएं गुप्त रूप से कि ये आउटडोर में कितने पेशेंट देखते हैं और ये फिर घर पे कितने पेशेंट देखते हैं। आउटडोर में ये मुश्किल से 20 भी नहीं देखते और घर पे ये 100-100 पेशेंट देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस अजमेर शहर को लूटने से बचाने के लिए आज हमको जो
एक कठोर कदम उठाना पड़ रहा है कि मैं धरने पे बैठा हूं, अगर ये मेरी मांग नहीं मानी गई तो इससे कठोर। अपन पहले जब धरने पे बैठे हैं तो धरने पे बैठने का ये हुआ कि वो जो फाइलें थी इसकी अंबुबैग की फाइल एसीबी में नहीं गई है, भामाशाह वाली फाइलें जो हैं एसीबी में चली गई, इसीलिए मैंने एसीबी से पता किया तो एसीबी में अभी अंबुबैग की फाइल अभी तक नहीं गई है, भामाशाह की फाइल चली गई है और दूसरी फाइलें अमृत योजना की चली गई हैं। सरकार के कुछ मंत्री ऐसे लोग हैं जो वो डाइविएशन के नाम पर उस भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं और वो जो है वो फाइल को वहाँ से दबाना चाहते हैं। अच्छा टंडन जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार है, आप भी वरिष्ठ नेता हो कांग्रेस में, तो क्या लगता है आपको पिछली मांग भी आपकी नहीं मानी गई अंबुबैग वाली मांग तो ली है, एसीबी में नहीं गई और एसीबी में फाइल जब तक नहीं जाएगी वो बात अधूरी सी। अच्छा एसीबी में फाइल के ऑर्डर वहाँ से हो गए, मैंने मालूम किया अस्पताल से मेडिकल कॉलेज से भामाशाह की फाइलें एसीबी ले आई, अमृत योजना की फाइलें एसीबी ले आई, अंबुबैग वाली फाइल जो है वो आज तक अभी तक नहीं गई है। तो मेरा ये है कि डॉक्टरों का स्थानांतरण की नीति बने, डॉक्टरों के घर पे जो दवाइयों की दुकानें खुली हुई हैं वो दुकानें बंद हों। चिकित्सा मंत्री भी अजमेर जिले के हैं और अब चिकित्सा मंत्री अजमेर जिले के हैं तो उनको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब चिकित्सा मंत्री अजमेर के हैं, जो आज जोधपुर में कितनी सुविधाएं हैं, वहाँ एम्स आ गया, वहाँ सब कुछ आ गया, अजमेर में जोधपुर में ऐसी दुर्घटना में पैसे दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने, जैसे ये मृतक के आज इनकी जो भी नीतिगत निर्णय हो वो ये करें, मुकदमा दर्ज कराएं तो आगे ये लापरवाहियां बंद हो। चिकित्सा मंत्री जी को कौन रोक रहा है अजमेर का विकास, उन्होंने केकड़ी का विकास कर रहे हो, अजमेर के अस्पताल का विकास आज ये तो भला हो इस कलेक्टर एसपी का, जो ये बार बार बेचारे जाते हैं, कल भी कलेक्टर गया है 2000 सिलेंडरों की करके आया है, एसपी ये रोज राउंड करते हैं, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। कांग्रेस का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को लूटना शुरू कर दें, हम लोगों को खसोटना शुरू कर दें, इससे निजात पाने के लिए ही मैं ये बार बार करता हूँ कि भाई किसी तरह से अजमेर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाओ। तो अब ये धरना आगे भी चालू रहेगा, अगर ये मेरी मांग नहीं मानी तो इससे कठोर कदम उठाऊंगा। जैसे पहले मैं बैठा था तो मेरी उसी वक्त मांग मान ली थी, कठोर कदम किसी प्रकार का भी, अमरण अनशन कर सकता हूँ, आत्मदाह कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। कठोर कदम का मतलब ही ये है कि कोई कठोर कदम उठेगा। तो दर्शकों आपने देखा जिस प्रकार से राजेश टंडन जी आज सांकेतिक धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग है, अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये आत्मदाह तक भी करने को तैयार हैं। और अब देखिए मीडिया कर्मी दूसरे लोग जो राजेश टंडन जी का जो धरना है वहाँ स्थल पे पहुँच चुके हैं। एक बार और बता दूं मैं, ये अजमेर जिला कलेक्ट्रेट है, इसके बाहर राजेश टंडन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, तो इन्होंने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू कर दिया है। तो दर्शकों अब देखना ये होगा कि इनकी मांगें कब पूरी होती है और इनको जो इनकी मांगें हैं 20 लाख मुआवजा जो मृतक आश्रित हैं उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी शहर की तरोताज़ा खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।